जब भीड़ में खोए हो और कोई अपनाए वही है, जब धूप में थोड़ी हवा चली ये पल हाँ वही है, और तुम कोई मीठी सी जो दिल छू जाए वही है, और फकीर को जब खुदा कई कई सालों पहले एक शहर जलमग्न हो गया। उस शहर में बहुत सारे मंदिर थे, भगवान के मंदिर, और वो सारे मंदिर समुद्र में डूब गए। कई कई वर्षों बाद एक व्यक्ति ने एक किताब पढ़ी और उस रहस्यमय किताब में लिखा था कि उन मंदिरों में जो घंटियां थी वो अब भी बजती है, और जो उन घंटियों को सुन ले वो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा, उन घंटियों की आवाजों को। और ये पता नहीं कि वो समुद्र कहाँ है, ये नहीं पता क्या वाकई में वो घंटियां है। किताब में लिखा था मछलियां सागर में तैरती है और घंटियों की आवाजें होती है, पानी बहता है और घंटियों की आवाजें होती है, यदि उस तट पर कोई चला जाए तो उन आवाजों को सुन सकता है। और ये कहानी पढ़कर एक युवक, एक खोजी जिज्ञासा से भरा हुआ निकल पड़ता है, उसे खोज है उस सागर की, उस समंदर की, और वो बहुत प्रयत्न करने के बाद आखिरकार वो जो शहर जो डूब गया था और वो जो समंदर था उसको पा लेता है। पर वहां पहुंचने के बाद उसे कोई घंटियों की आवाज सुनाई नहीं देती है, उसे सुनाई देती है तो केवल समुद्र की तरंगों की आवाजें जो चट्टानों से टकरा रही है। परंतु अब वो संसार छोड़ चुका था, उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था केवल उन घंटियों की आवाजों को सुनना है। वो वहीं पर रुक जाता है, एक दिन, तीन दिन, एक हफ्ता, सोचता है अब मैं जब तक लक्ष्य को नहीं पा लेता मैं यहां से नहीं जाऊंगा, वहीं अपना बसेरा बना लेता है। महीनों गुजर जाते हैं पर केवल सागर की लहरों का शोरगुल और कुछ नहीं। और एक दिन अचानक जब वो सो रहा होता है, और अब तक तो उसने वापस जाने का ख्याल भी छोड़ दिया है, वो उस दुनिया से पूरी तरह विरक्त हो चुका है,
और जब एक दिन रात को वो सो रहा होता है तो अचानक उसे उन घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती है, और जैसे ही वो आवाज़ें सुनाई देती है उसके अंदर कोई जो सोया था वो जाग जाता है, वो जाग जाता है, अर्थात अब उसे नींद नहीं आती, जो भीतर सोया था वो जाग गया, और ऐसा जागा कि वो जागता ही रहा। कहानी रहस्यमयी है पर यही पूरी होती है। वो कौन सा समंदर है और वो कौन सी घंटियां है और वो कौन सा मंदिर और कौन सुन सकता है उन आवाजों को। मनुष्य का हृदय ही वो सागर है, उस अंतकरण में ही वो भगवान का मंदिर है और वही वो घंटियां बज रही है, परंतु सुन वो सकता है जो मौन है, सुन वो सकता है जो एकाग्र है। उस मौन में और उस एकाग्रता में ही वो आवाजें सुनाई देगी जो भीतर है। तो आप सब भी यहां आए हैं एक नई शुरुआत के लिए, किसी तट पर आए हो, यहां पर भी वो घंटियां बज रही है, पर सुन कौन सकता है जो मौन हो गया है। The highest powers, the greatest silence are fed, and I shall speak to thee in silence. ये कॉन्फ्रेंस एक निमित्त मात्र है, यहाँ आने का उद्देश्य बहुत गहरा है, बहुत ऊंचा, जो चेतना अंदर सो गई है उसे जागृत करना है। यह आध्यात्मिक परिसर कोई साधारण परिसर नहीं है, यहाँ पर एक ऊर्जा का वर्तुल है, अ मैग्नेटिक फील्ड, एन एनर्जेटिक फील्ड। यहाँ आते ही सब ने महसूस किया होगा, जब से यहाँ कदम रखे इस भूमि में, चाहे ये भूमि या शांतिवन की भूमि या मनमोहिनी या मानसरोवर या ऊपर पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, इस संस्था को हम संस्था नहीं कहते, यज्ञ कहते हैं, और यज्ञ की ये शाखाएं, और कण कण में तरंगे हैं, कण कण में वायु में स्पिरिचुअल वाइब्स है जो कि बहुत पावरफुल है। तो भाग्य कहो या नियति कहो, उसने हम आप सबको यहां ले आए, और अगले 3 दिन यहां आपको रहना है। इससे पहले कि हम आगे की बातें बताएं, सोचो कि ये 3 दिन जीवन के परिवर्तन के दिन होंगे। एक बहुत गहरा ऑपरेशन करना है, और वो ऑपरेशन है माइंड का, द डीप सर्जिकल स्ट्राइक। मन में बहुत कुछ दबा है, बहुत कुछ छिपा है, बहुत कुछ समाया हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत डीप है, जो ऊपर दिख रहा है वो केवल एक हिस्सा है, नीचे 9 हिस्से हैं। उन गहराई में प्रवेश करना है। We need to penetrate the depth of subconscious mind and explore the emotions, the feelings, the unhealed wounds, the untreated fractures,
और उसके लिए आपको हम तीन नियम बता रहे हैं, हो सके तो इनका संपूर्ण पालन करना। जितना जो इन नियमों का पालन करेगा तुरंत प्राप्ति होगी, इंस्टेंट हैप्पीनेस। रूल नंबर वन, अगले तीन दिन के लिए हो सके तो संपूर्ण मौन हो जाओ, चुप, क्योंकि ऑपरेशन भीतर है, यहां चीरा लगाना है, पस यहां है, घाव इधर है चेतना में, और चीरा लगाने के बाद क्या निकलेगा पता नहीं। अगर केवल यहाँ आए, यहाँ बैठे, यहाँ लेक्चर सुने, आसपास घूमे, इसमें भी फायदे हैं, परंतु यदि मन के तल तक पहुँचना है, अतल गहराइयों तक जाना है और स्वयं की खोज करनी है, मैं हूँ क्या, मैं हूँ कहाँ, मैं कर क्या रहा हूँ, आया किस लिए था और क्या कर रहा हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ, क्या वो जो कर रहा हूँ वही सब कुछ है, वही सत्य है, या इस सब से परे भी कोई एक सत्य और है जो मैं नहीं जानता और जहाँ तक मुझे पहुँचना है। जैसे भक्ति मार्ग में व्रत लिया जाता है, वैसे ही ये व्रत, नोबल साइलेंस। सेकंड, मोबाइल स्विच ऑफ। हमें आवाज से परे का अनुभव करना है, क्योंकि चेतना सूक्ष्म है। जितना गहरा मौन उतना गहरा अनुभव। और तीसरा, इन तीन दिनों तक इस कैंपस से बाहर कदम नहीं रखना, लॉकडाउन। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स होते सब फॉलो करते हैं, अगर कोई ब्रेक करता है ट्रैफिक रूल या कोई भी रूल, इंस्टेंट पनिशमेंट मिलती है। दूसरा, प्रकृति के नियम होते हैं, जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है और अपने जीवन को प्रकृति के विरुद्ध चलाता है, प्रकृति दंड देती है बीमारी के रूप में। बीमारी और कुछ भी नहीं है, जो नैसर्गिक और प्राकृतिक जीवन है उसके विरुद्ध दिशा में जो जीवन चल रहा है वो बीमारी का रूप धारण करता है। और तीसरा, अध्यात्म के रूल, और अध्यात्म के रूल आसानी से ब्रेक किए जाते हैं क्योंकि सजा तुरंत नहीं मिलती है। परंतु एक फायदा इसमें है, जो गवर्नमेंट के रूल ब्रेक नहीं करता उन्हें कोई इनाम नहीं मिलता, कोई रिश्वत नहीं लेता तो उसे इनाम नहीं दिया जाता, वो उसका कर्तव्य है। प्रकृति के नियम नहीं तोड़ता कोई, हाँ स्वास्थ्य मिलता है, परंतु अध्यात्म के नियमों को कोई फॉलो करता है तो तुरंत एक चीज मिलती है और वो है खुशी, वो है आनंद, वो है हल्कापन। जो मन में बोझ है और जो मन भारी है उससे तुरंत इंस्टेंट फ्रीडम। तो इन तीन नियमों के साथ जितना हो सके, क्योंकि यात्रा भीतर की है, अंतर्मुक्ता की, और बिना मौन के और बिना अंतर्मुक्ता के और बिना एकांत के कोई भी यात्रा अपूर्ण है। हमने अपने जीवन में देखा, जीवन के अलग अलग पड़ावों में अचानक इस मौन ने खींचा, और जब जब इस मौन में प्रवेश किया, जब बाहर निकले तो कुछ और अनुभव था। कभी वो मौन 6 मास का था बहुत पहले, फिर कभी 7 दिन का था, फिर कभी 2-3 मास का था, और फिर कभी 10-10 दिन का था,
पर जब जब उसमें प्रवेश किया निकले तो कुछ और अनुभव साथ में थे। तो इन 3 दिनों तक अगर हो सके मोबाइल स्विच ऑफ, इन 3 दिनों तक आपस में बातचीत कम से कम नज़र नीचे डाउन कास्ट आइज, इन 3 दिनों में जितना हो सके इसी कैंपस में रहना है और जितना हो सके स्वयं में रहना है, अपने आप के साथ रहना है। हम हमेशा भीड़ में रहते हैं। इट्स टाइम टू बी विद वनसेल्फ, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिप्रेशन, सेपरेशन, where we are, what are we doing, what we need to do, what I must do, where I am heading towards. जीवन के कितने सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें पाना है। और एक बात हम हमेशा हर कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि सबसे बढ़िया और सबसे ग्रेटेस्ट स्पीच जो आप सुनेंगे वो यहाँ इस मंच से नहीं सुनाया जाएगा, वो स्पीच होगा यहाँ के लोगों के द्वारा। अगर बात करना ही है तो वो बात है स्पिरिचुअल हो। यहाँ अभी हम किचन में गए थे, डाइनिंग में इतनी सारी माताएं मिली, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, वो मेडिकल फील्ड की नहीं है। उस किसी एक माता को पकड़ो और पूछो तुम यहाँ क्यों हो, Why have you come here? उसे शायद भाषा भी बहुत अच्छे से नहीं आती है, शब्द उसे नहीं पता, और उसके पास एक चीज है और वो है अनुभव, एक डीप और गहरा अनुभव। वो जो स्पीच देगी, वो जो उत्तर देगी, वो सबसे बड़ा स्पीच होगा जो सीधा इधर टच करेगा भीतर। With this background, let's move towards the topic. आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल रिंगटोन। ये डिजिटल वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड। वी टॉक इन टर्म्स ऑफ फोन लैंग्वेज, डिजिटल कम्युनिकेशन। इसलिए आज कुछ बातें हम आपको सुनाएंगे फोन की भाषा में, ऐसी कुछ बातें। सबसे पहली बात जो फोन लैंग्वेज में यूज होती है, आंसर द कॉल, ए फॉर आंसर। कॉल आया कि हम आंसर करते, कॉल अब आया है, पर ये कौन सा कॉल है? ये एक साधारण कॉल नहीं है। गॉड इज कॉलिंग यू, द फॉर्च्यून इज कॉलिंग यू। फोन आया है कहीं और से, भाग्य ने कॉल किया है, नाउ पिक अप द कॉल। विदेश में एक संत था सेंट फ्रांसिस, वो सिपाही था, युद्ध करने जा रहा था, अचानक उसे आवाज आती है, फ्रांसिस स्टॉप। वो पीछे देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखता, फिर से आवाज आती है, फ्रांसिस स्टॉप। और जब तीसरी बार आती है तो रुकता है और वो आवाज कहती है, फ्रांसिस गो एंड बिल्ड माई हाउस अगेन। वो वापस आ जाता है, उसके पिताजी उसे डांटते हैं, देश का राजा उसे बंदी बना देता है कि तुम देश के लिए लड़ने गए थे और भाग के चले आए, तुम कायर हो। परंतु वो आवाज दिन रात गूंजती रहती है, फ्रांसिस गेट अप एंड बिल्ड माई हाउस अगेन। और वो आवाज, वो कॉल इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल होता है कि वो रोक नहीं सकता। जब निकलता है बाहर तो ढूंढता है, ये किसकी आवाज है, ये क्यों मुझे सता रही है। देखता है खंडर है, वो कभी चर्च था, और तब उसे लगता है कि इसका पुनर्निर्माण मुझे करना है। एंड ही स्टार्ट्स दैट। क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ा टर्न है सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी के आगमन से, दिशा बदली है उसने वहां से। वैसे हम में से हर एक को एक डिवाइन कॉल आता है, और जब वो कॉल आता है वी डोंट स्टॉप,
वो कॉल इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है, इट्स अ डिवाइन टचिंग, इतना स्ट्रांग कि वी जस्ट कांट स्टॉप. वो कैसे आएगा? हमें अपने आप को तैयार रखना है. वो कभी भी आ सकता है, किसी भी पल आ सकता है. यहाँ आप जब अब बैठे हो, और आज जो बैठे हो, और सारे दिन जब बैठोगे, और कल और परसों, एनी टाइम दैट कॉल, दैट डिवाइन टचिंग विल कम टू यू अनअवेयर्स. वो पकड़ लेगी, जैसे उसको तुम्हारा इंतजार है. बिना भाग्य के यहाँ कोई आ भी नहीं सकता. आप जो यहाँ आए हैं, जन्म जन्म का भाग्य था जो ढकल ढकल के यहाँ तक लाया है. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. कितने होंगे जो आना चाहते थे टाइम पर, कैंसिल हो गया. क्योंकि यहाँ और इस भूमि में ऐसा कुछ है, वेरी स्ट्रांग. जो हम अपनी बात करें तो हम भी यहाँ आए थे एक बार 2003 में, और यहाँ रुकने के लिए नहीं आए थे. रादर आई वॉज एब्सोल्यूटली अगेंस्ट एंड अपोज टू ऑल द फिलोसॉफीज ऑफ ब्रह्मा कुमारीज. बट द डिवाइन एक्सपीरियंस वॉज सो स्ट्रांग दैट आई हैड टू स्टॉप हियर. I stopped, stayed for some time, went back and came back. Jo sansar mein kahin nahi, wo yahan mila. And I will say, this is the last station. In my own life, mujhe nahi lagta hai ki aisi koi sanstha, aisi koi kitab, aisa koi satsang, bhagavat katha, ramayan katha, sab, eastern philosophy, western philosophy, Upanishads, ढेर सारी संस्था है. यहाँ आने से पहले हमें याद है, हमने लिस्ट बनाई थी ऑलमोस्ट 50 इंस्टीट्यूशंस की, मैं कहाँ जाऊँ. और यहाँ आने का पर्पस भी ये नहीं था कि यहाँ आ जाऊँगा. खोज तो बहुत गहरी थी, परंतु किसी ने रोक लिया. और जो था रोकने वाला, कोई मनुष्य नहीं था, एन इनविजिबल फोर्स. इसलिए यदि उन घंटियों को सुनना है तो कुछ दिनों के लिए चुप, कुछ दिनों के लिए अंतर्मुखी, कुछ दिनों के लिए मौन. यहाँ बैठे हैं और क्लासेस सुनेंगे आप ढेर सारी, परंतु सुनते सुनते अपने भीतर डुबकी लगानी है, अपने जीवन को देख लेना है. कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों हूँ. यहाँ जो भी आत्माएं आएगी और आपको सुनाएगी, सभी अनुभवी है, बहुत महान है. उनके पास खजाना है अनुभवों का. दो वाक्यों के बीच जो पॉज होगा और जो मौन होगा, देयर यू विल फाइंड द एसेंस ऑफ योर लाइफ. तो सबसे पहला है, कॉल आया है उसको रिसीव करो. दूसरा, ऐड कॉन्टैक्ट्स. फोन लैंग्वेज है, हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट्स ऐड करते हैं. अभी आप एक नए कम्युनिटी में आए हैं, यहाँ बहुत सारी नई नई आत्माएं मिलेगी, उन सब के साथ किसी ना किसी के तरीके का संबंध जोड़ो. क्यों? क्योंकि ये रहने वाली वो आत्माएं, ये साधारण वो आत्माएं नहीं है. जो बहनें आप यहाँ देखते हैं और सफेद साड़ी पहन के घूम रही है, ये कौन सिस्टर्स है, ये कौन बहने हैं. यहाँ जो भाई है जो सेवा करते हुए आपको दिखते हैं, कोई डाइनिंग में है, कोई स्टूडियो में है, कोई ऑडियो में है, कोई किचन में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स. शांतिवन इतना बड़ा, मनमोहिनी इतना बड़ा, ढेर सारे लोग हैं और मैक्सिमम यूथ है इस भूमि में. पवित्रता की शक्ति है. प्यूरिटी की पावर है. परमात्मा प्रेम की तरंगे है जो हमें देह से और देह की दुनिया से ऊपर उठा देती है. इट टेक्स अस टुवर्ड्स द हायर कॉन्शियसनेस. दीज आर नॉट द ऑर्डिनरी सोल्स, दीज आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल, बट दीज आर द चोजन वन, सिलेक्टेड वन एंड इलेक्टेड वंस फॉर द हायर पर्पज ऑफ लाइफ.
जो बहनें आपको दिखती हैं यहाँ पर, वो कौन बहनें हैं? वो चाहती तो संसार में क्या कुछ कर सकती थी, पैसा कमा सकती थी और घर बसा सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, परंतु वो सब छोड़कर इन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया इसी यज्ञ के लिए। दे हैव सैक्रिफाइस देयर यूथ, देयर लाइफ, अपना यौवन, अपना जीवन। स्वामी विवेकानंद हैज सेड सम टाइम बैक व्हेन ही वाज देयर, ही डाइड इन 1902, दिस इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड इन 1936-37, एंड ही सेड लॉन्ग बैक, रादर अ प्रोफेसी, अ डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन इंडियन लेडी, जब भारतीय नारी क्लैड इन व्हाइट, श्वेत वस्त्र धारण करेगी, शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर, और परमात्मा संदेश सारे विश्व में फैलाएगी। वो कौन सी नारी है? वही, यही ब्रह्मा कुमारी है। दे आर द रियल अर्पिताज, निवेदिताज एंड समर्पिताज, द डेडिकेटेड वंस। एड कॉन्टैक्ट्स, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप स्पिरिचुअल लिस्ट, स्पिरिचुअल लोगों को ऐड करो। उनका जीवन बहुत महान है, बहुत सूक्ष्म महानता है उस जीवन में है। ऊपर से साधारण दिख रहे हैं, ऊपर से कोई झाड़ू लगा रहा है, बट दे आर द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हमें याद है जब हम ट्रेन से आ रहे थे फर्स्ट टाइम 26 नवंबर 2003, हमें तो ये नहीं पता था ये ब्रह्मा कुमारीज क्या है, ये संस्था क्या है। हमें बस बताया गया कि वहां जाना है बस, और यहां रुकना भी नहीं था, यहां से कहीं और जाना था, बस टच करेंगे और निकल जाएंगे, और ये संकल्प के साथ कि दीज पीपल माइट हिप्नोटाइज मी, दे विल मेस्मराइज मी, सो आई वॉज वेरी स्ट्रांग। और उस ट्रेन में, जिस ट्रेन में मैं बैठा था, और पार्टी एक जो थी, पार्टी तो कॉमन रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में थी, हम कॉमन बोगी में बैठे थे, इतनी भीड़, और उसमें दो माताएं थी, वो एकदम गांव की माताएं, और हम वहां बैठे थे उनके साथ और निकल पड़े थे माउंट आबू के लिए। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, मन में विचार था अभी भागवत पढ़ना बाकी है, अभी ब्रह्मसूत्र पढ़ना बाकी है, अभी ये करना बाकी है, अभी वो करना बाकी है, अभी वो करना बाकी है, क्योंकि जीवन विभाजित हो गया था। क्या करूं, भगवान की खोज करूं या मेडिकल में आगे जाऊं, पोस्ट ग्रेजुएशन करूं और पेशेंट की सेवा करूं, शिव ज्ञान जीव सेवा, या फिर संसार को छोड़कर भगवान को पाने के लिए निकल पड़ूं। दिस वॉज द स्ट्रगल आई वॉज इन, दिस वे और दैट वे, टू बी नॉट टू बी, किधर। एंड देन आई वॉज सिटिंग, तो जो दो भोली भोली माताएं थी, हमने देखा, उनकी बातें सुनी, अचानक हमारा ध्यान गया, वो अनपढ़ माताएं थी, उनके कपड़ों से तो लग रहा था अनपढ़ है, और अचानक एक ने कहा कि मुझे लगता है इस आत्मा का कल्याण हो जाना चाहिए। आई थॉट, आत्मा, इन्होंने शास्त्र पढ़े, इन्होंने उपनिषद पढ़े, इनको तो बोलना भी नहीं आता है। एंड आई वॉज शॉक्ड। और फिर दूसरी माता ने एकदम कहा, हाँ ड्रामा वंडरफुल है, पार्ट सबका अलग अलग है, वंडरफुल ड्रामा इंग्लिश। आई वॉज एब्सोल्यूटली अट्रैक्टेड, ये क्या है दोनों। और फिर तो यहां आ गए, जहां आए, जो गेट नंबर 6 है शांतिवन का, अभी पहले गेट नंबर 2 था, वो एंट्री, शांतिवन देखा है ना, वहां से एंट्री, एंड देन डेजावू, आते ही लगा कि स्थान को देखा है, हम कभी नहीं आए थे यहाँ, बट आई फेल्ट आई हैड बीन हियर। यहाँ तक कि हमें एक एक पता चल रहा था, यहाँ से ये रास्ता इधर जाएगा शायद, वहाँ कुछ गोल होगा जो तपस्या धाम बना है। सो दैट वॉज एन एक्सपीरियंस। तो आप सब भी ऐसे आए हैं, जितना जितना साइलेंस रहेंगे, देर इज वन वर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाश में रिकॉर्ड्स होते हैं। महात्मा गांधी ने क्या बोला, हिटलर ने क्या बोला, वो सब रिकॉर्डेड है।
आकाश में वो बहुत सारी आवाजें सुनने में आएगी, दिखने में आएगी। तो ऐड टू योर कॉन्टैक्ट, ऑटो अपडेट, नेक्स्ट ऑटो अपडेट मोड पर डाल देना अपने आप को, इतना स्पिरिचुअली एलिवेट कर देना कि हम अपने आप वहीं खींचे जाएंगे जहां हमारी उन्नति है। उस मार्ग पर हम नहीं जाएंगे जहां हमें नहीं जाना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड दुर्योधन सिंड्रोम साइकोलॉजी में। दुर्योधन सिंड्रोम सुना होगा ना? दुर्योधन करता है, मुझे पता है धर्म क्या है, परंतु धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। मुझे पता है अधर्म क्या है, परंतु मैं निवृत्त नहीं हो सकता। हे गोविंद, क्या करूं तुम बताओ। मुझे पता है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर नहीं होता है। व्हाट टू डू? संसार में ब्रह्मचर्य कितना कठिन माना जाता है। यहां पे यू विल गेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, दे आर लीडिंग अ वेरी वेरी प्योर लाइफ, एंड दिस इज दैट पावर विच इज मैनिफेस्टेड इन द स्पीच इन देयर सेवा। एक नहीं है, हजारों है। हम एक छोटा सा उदाहरण है इसका। जो हमारी दिनचर्या सुबह से चालू होती है 2 बजे से रात तक, उसमें कितनी सारी बातें होती है, ओपीडी होती है बीच में, ऑलमोस्ट मोर देन 70-80 पेशेंट्स पर डे, इमरजेंसी आईसीयू, प्लस स्पिरिचुअल लाइफ, प्लस साइलेंस, प्लस प्रकृति, ऐसे हजारों हैं यहां पर। एवरी वन इज नॉट जस्ट यूनिक, एवरी वन इज अ मास्टरपीस। सो ऑटो अपडेट मोड पर डाल देना है। ऑटो रोटेट, ऑटो रोटेट ऑप्शन होता है ना एक, ये बैलेंस अध्यात्म और संसार। यहां जब तक है तब तक ठीक, यहां से बाहर गए, बाहर क्या स्टेशन तक ही गए, वहां से वो दुनिया चालू हो जाती है, उधर का संकल्प, उधर का सब कुछ चालू हो जाता है। यहां आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आहा आहा आहा, एकदम मन शांत। वो शांति भी ठीक है, परंतु जो शांति का अनुभव हो रहा है वो स्थान की शांति है। यहां से जाने के बाद उधर का चालू होगा। इसलिए ये 3 दिन कमाई के दिन है। कौन सी कमाई? स्पिरिचुअल कमाई। अगला ब्रॉडकास्ट, बी फॉर ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट लव, ब्रॉडकास्ट ट्रुथ। जो हमने पाया वो सब पाए। बी ब्राउज थ्रू दी एक्सपीरियंसेस। यहां बैठकर अगले 3 दिनों में अपने ही जीवन के अनुभव देखना। जन्म कहाँ लिया, बचपन कैसे गुजरा, आगे क्या हुआ, कॉलेज, मैरिड लाइफ, अनमैरिड लाइफ, जो भी हुआ उसका एक अवलोकन। हिंदी में शब्द है अवलोकन। अवलोकन अर्थात पीछे मुड़कर देखना, जैसे सिंह होता है ना, पीछे देखता है, रेट्रोस्पेक्शन, स्टॉप एंड सी, ब्राउज थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस। अगला सी कॉल, किसको कॉल करेंगे? कॉल आउट फॉर हेल्प। पहले तो ये जानो कि हम लॉस्ट है, तब उन्नति का मार्ग खुलेगा। अध्यात्म में वो बड़ा नहीं है जिसकी उम्र बड़ी है, वो बड़ा नहीं है जिसका पोस्ट बड़ा है। इस संस्था में 3 दादियां थी, एक प्रकाशमणि दादी थी, मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने उनको देखा होगा। वो प्रेम की अवतार थी, जिसने इस यज्ञ का इतना विस्तार किया 1969 से 2007 तक। उसके बाद में दादी गुलजार, जो एक भगवान का भाग्यशाली रथ थी, और उसके बाद में दादी जानकी। ये 3 दादियां द हाईएस्ट एलिवेटेड सोल्स ऑफ दिस प्लैनेट। अब इन तीनों में से कोई भी नहीं। दादी गुलजार को एक बार पूछा गया था कि आप तीनों में से बड़ा कौन है? दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, हाइट में मैं बड़ी हूं, उनकी हाइट ज्यादा थी, उम्र में जानकी दादी पड़ी है, उनकी उम्र ज्यादा थी, औहदे में प्रकाशमणि दादी पड़ी थी। और हमने देखा
ये जितनी दादियाँ यहाँ पर थी, ये यज्ञ इतना विस्तार को कैसे पाया? ऊपर माउंट अबू में हमारे पास पेशेंट्स आते, वो कहते हमने आपके दादा लेखराज को देखा है, वो हमारी दुकान पे आते थे, हमने आपकी मम्मा को देखा है, वहाँ पर क्रिश्चियन स्कूल है सेंट मैरी सेंट सोफिया, वहाँ की नंस आती है, कहती है वी हैड सीन, ये तुम्हारा इतना छोटा था इतना बड़ा कैसे हो गया? उनको भी आश्चर्य है। कहाँ तो 1950 में एक छोटा सा ग्रुप सिंध हैदराबाद पाकिस्तान से माउंट अबू की भूमि में आया और ये वटवृक्ष की तरह ऐसा फैल गया, ऐसा फैल गया, सब देखते ही रह गए। वहां के लोग वो वही हैं अभी भी उनको आश्चर्य है क्या? अभी भी वो कुछ खबर नहीं है उनको इसके बारे में। इट्स स्प्रेड लाइक फायर। और ये भगवान का यज्ञ है, जो कार्य यहां चल रहा है किसी भी मनुष्य का नहीं है ये। रिमेंबर वन थिंग, इतने हजारों लोग एक साथ, सात सात आठ आठ कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, एक यहाँ वहां दो वहां ऊपर दूसरी, कैसे चल रहा है, कौन मैनेज कर रहा है? यहाँ पर महामंडलेश्वरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक महामंडलेश्वर कह रहे थे रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कि हमारे आश्रम में 500 लोगों का यदि भोजन है, अगर 100 भी ज्यादा आ गए तो हलचल हो जाती है। यहाँ आपके यहाँ बन कैसे रहा है, कौन बनाता है, कौन करता है, कौन कैसे होता है? वी आर रियली शॉक्ड। सो देयर इज नॉट द ह्यूमन फोर्स, इट इज द डिवाइन फोर्स। सो ब्रॉडकास्ट ट्रुथ, ब्राउज थ्रू योर एक्सपीरियंसेस एंड कॉल आउट फॉर हेल्प। हो सकता है हमें मदद किससे मिलती है? उनसे नहीं जो हमारे चित परिचित है, जो अननोन है। हो सकता है छोटा बच्चा हमें कुछ बता दे, जिस उलझन में, जिस समस्या में हम उलझे हुए हैं, टू बी नॉट टू बी, करूं कि ना करूं, अनिर्णय की अवस्था, वेदर करियर और रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में एक ठहराव है, उलझन है। द आंसर विल कम फ्रॉम हियर। अनरिलेटेड पर्सन से आंसर आता है यूजुअली, छोटे बच्चे से आ सकता है, और हो सकता है आप यहां से घूमते हुए कोई माता कोई भाई, उसको तो पता भी नहीं होगा कोई कॉन्फ्रेंस यहाँ चालू है, वो अपनी सेवाओं में लगा है, उसको जाके पूछो अपने जीवन का अनुभव, उसके अनुभव में हमें अपने जीवन के प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कॉल फॉर हेल्प। अगला डी, डाउनलोड डिवाइन गाइडेंस। डिलीट सॉरोज। यहां आए हैं, अपने जीवन में कौन से दुख है उसकी लिस्ट बनाओ, ये दुख है, क्यों है, वाई, लेट मी डिलीट ईच वन ऑफ देम। उसकी जड़ तक जाओ, ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करनी है कॉन्शियस माइंड की, डीप जाना है। इसलिए कहा ये गहरा ऑपरेशन है, जितना गहरा मौन होगा उतना ये डीप ऑपरेशन होगा, चीरा लगाना है यहां। और विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, डिटॉक्स होगा, दिस इज अ साइकोलॉजिकल डिटॉक्स, वेरी डीप साइकोलॉजिकल डिटॉक्स। किसी को कहो चुपचाप बैठो एक घंटा, कितना मुश्किल काम है, क्योंकि हम भीतर जाते और भीतर जाते ही डर लगता है अंदर के, कौन कौन से इमोशंस निकल के आते हैं पता नहीं, जो दबा के रखे थे 10 साल पहले 20 साल पहले, संपूर्ण सफाई। माइंड शुड बिकम फियरलेस। और ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे का कोई काम ही नहीं है, ये तो मुझे अपना काम करना है, किसी और से क्या मतलब। डिलीट सॉरो एंड डाउनलोड डिवाइन गाइडेंस। अल्केमिस्ट में पाउलो कोहिलो ने लिखा है, यदि यू डिजायर समथिंग वेरी डीपली, यदि तुम्हारी इच्छा है बहुत कि मुझे पाना ही है, पूरी कायनात षड्यंत्र करेगी, दी एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू। आई वॉन्ट टू नो इट, आई वॉन्ट टू रियलाइज इट। किसी भी हालत में मुझे उस सत्य तक पहुंचना है, एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जो अचल अडोल है, जिसको गीता ने स्थित प्रज्ञ कहा है। निंदा स्तुति भय पराजय हार अपमान सब अप्रभावित, कुछ भी मुझे नहीं टच करता, आई एम अनटच्ड। That stage I want, but how much is the desire? Intensify the desire. Agla, erase kar dena hai. Kya? Fears and anxieties ko. Itne bhay, itne bhay, itne bhay. Kyun bhay hai? Wohi pata nahi. Hamare hospital mein ek yugal aate the, local patient. Wo kehte the, meri jo
पत्नी है, उसको डर है, हर हमेशा डर रहता है, रात को सोती है तो लगता है छत गिर जाएगा, बच्चा बाहर जाता है तो उसको लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा, 24 घंटे डर में रहती है। कैसा डर, कहाँ का, एवरीथिंग शी फियर्स। उसके कुछ काउंसलिंग सेशंस चालू किए, उसको पूछा, वो रात को सोती भी है तो ऐसे बिल्कुल डर के, एक डंडा रखती है साथ में, पता नहीं रात में कोई मारेगा। उसके जैसे जैसे काउंसलिंग सेशंस हुए, धीरे धीरे वो डर कम हुआ। पर पत्नी, पति वही कहता था, हम पूछे थे एक हफ्ते बाद आप कैसी है, कहते कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अभी थोड़ी, पहले तो नींद ही नहीं आती थी, अब थोड़ी नींद आती है। फिर एक हफ्ते के बाद, अब कैसी हो, कहते कोई ज्यादा फर्क नहीं, अब नींद भी आती है और डर थोड़ा कम हुआ है। एक हफ्ते के बाद पूछा, अब कैसी है, कहते कोई ज्यादा फर्क नहीं, अभी नींद भी आती है और डंडा भी नहीं रखती है। ज्यादा निगेटिव तो यही है, वो तो ठीक हो गई, शायद यही बाधा है उसके ठीक होने में। और कितना ठीक चाहिए, कुछ तो बोलो ठीक है। इरेज फियर्स एंड एंग्जाइटीज। अगला, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड थिंकिंग एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट। फैक्ट्री रिसेट नाम का एक ऑप्शन होता है मोबाइल में, सब डिलीट कर दो और नया। पर ये माइंड का इतना जल्दी फैक्ट्री रिसेट नहीं होता है, उसमें संस्कार तो इतने गहरे हैं, बहुत डीप, उसका फैक्ट्री रिसेट करना है, उसके लिए फ्लाइट मोड पे डालना पड़ेगा। अभी इसलिए कहा फ्लाइट मोड, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। मन को कहाँ डालना है, फ्लाइट मोड पर। 3 दिन तो कर ही सकते हैं, टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ व्रत एंड सी द रिजल्ट, सी द मैजिक, सी द मैजिक ऑफ साइलेंस। और ये सारा जब करोगे, फिर वो जो रिंगटोन होगी ना जीवन की, दैट विल बी द रियल रिंगटोन विच वी विल हियर, द डिवाइन वॉइस, द वॉइस ऑफ एंजल्स। अगला, गो ऑनलाइन इन टू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स। एक दूसरी दुनिया है, एक नई दुनिया है। हमें याद है जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, आई वॉज शॉक्ड, ये क्या है, ये कौन लोग है, ये कैसे लोग है, हमें कोई नहीं जान सकता यहाँ पर। एक जीन्स और टी शर्ट पहन के एंट्री की थी शांतिवन में 2003 में, और देखा व्हाट आर दीज पीपल। अचानक वो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा और हमको लगा कि ये गीत तो हमने कई बार सुना है, हजारों बार, शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया, वो हो गया। और सब लोग ऐसे खड़े थे बिल्कुल स्ट्रेट, हमको लगा ये कौन सी अवस्था है, श्री रामकृष्ण की भाव समाधि है या सेंट फ्रांसिस की एक्सटेसी है, चैतन्य महाप्रभु की अवस्था है, व्हाट इज दिस। या इंग्लिश कविताओं में विलियम वर्ड्सवर्थ के बुक्स में एक्सटेसी और रैप्चर शब्द का वर्णन सुना था, क्या वो ही अवस्था है इनकी, व्हाट। अगला, होल्ड ऑन, धीरज। ये मार्ग श्रद्धा का है और सबूरी का है, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं कि क्या है क्या है क्या है मुझे बताओ, मुझे अनुभव चाहिए। अनुभव इतना सस्ता नहीं कि सोशल मीडिया में मिल जाए, अनुभव तपस्या मांगता है, अनुभव साइलेंस मांगता है, शोरगुल में अनुभव नहीं है, इट्स इन द रिसेस ऑफ द हार्ट। अगला, इनबॉक्स मेमोरीज। जीवन में बहुत से ऐसे अनुभव हैं हमारे सबके जीवन में जो बहुत सुखद है, पर हम याद कौन से करते रहते, जो निगेटिव है, किसी ने हमारे साथ क्या क्या बुरा किया, वो लिस्ट हमारे पास तुरंत है, पर हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने कितना अच्छा अच्छा किया है, तो उनका धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। अगला, ज्वाइन इन हैंड्स और फोर्सेस। जब कोई महान कार्य चालू होता है, हम भी ज्वाइन कर ले उस महान कार्य के साथ। अगला, कीप सेव्ड। बहुत सारी मेमोरीज को सेव करके रखना है।
मल्टीटास्किंग, ये भी करूं वो भी करूं, ये भी करूं ये भी करूं वो भी करूं. स्टॉप, फोकस ऑन वन. आउटगोइंग, दिल से प्यार को आउटगोइंग करना है, अंदर भी प्रेम और बाहर भी प्रेम. लेट इट स्प्रेड, इट्स अ चेन. हम हमेशा उदाहरण देते हैं, जैसे ये आनंद सरोवर है, बाजू में मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है. एक बहुत बड़े ऑफिसर आए थे, कमिश्नर थे, वहां से उनको शांतिवन जाना था. बस चली गई, वो अकेले खड़े. तो एक भाई है हमारा, इधर ही रहता है शांतिवन, एकदम भोला भाला, बहुत अनन्य सेवा भाव. उसको क्या पता ये कौन है, ये पुलिस कमिश्नर थे. उनको कहा मेरी साइकिल के डंडे पे बिठा दिया उनको, और उनका सामान पीछे, और वो लेके गया उनको. इतना अनन्य भाव से कि आप बैठो मैं आपको ले जाता हूँ. उसे ये भी इंटरेस्ट नहीं कि ये जानने में ये क्या है और क्या पद है. पर वो जो ऑफिसर थे, जब गए तो उन्होंने कहा कि मैं ये जितने लेक्चर सुने ना कॉन्फ्रेंस में सब भूल गया, बस वो एक ही भाई मुझे याद है. आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग. कितना प्रेम से और दिल से उसने सेवा की. अगला पी और पॉज, स्टॉप. पॉज करते हैं ना, पॉज, पॉज कर दो, रुको थोड़े देर, देखो. जस्ट वेट एंड सी, क्लोज द आईज एंड सी व्हाट इज हैपनिंग विद इन. एक बाह्य जगत है, एक आंतरिक, एक बाह्य जगत, एक आंतरिक जगत, माइक्रोकॉज्म मैक्रोकॉज्म. इनर वर्ल्ड इज वेरी वास्ट, उसके सामने ये बाहर का जग तो बहुत छोटा है. उस डीपर वर्ल्ड में प्रवेश करना है हम सबको. ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी. अपने अंदर जो दिव्यता है उसको हमें बाहर निकालना है. अभी तक का जीवन पूरा देह और देहभान में चला है, शरीर को देखने में. इस संसार का सारा कारोबार शरीर के इर्द गिर्द चलता है. शरीर, शरीर की सुंदरता, शरीर के सौंदर्य, शरीर की वासनाएं, सब शरीर शरीर शरीर. शरीर से परे भी कोई जगत है, शरीर से परे भी कोई चेतना है, उसका अनुभव, और वो बहुत गहरा है. एक बार वो टेस्ट आ गई तो ये शूद्र लगने लगता है फिर. इसलिए जो कवि होते हैं, जो स्कल्प्टर होते हैं, ये सब प्रकृति प्रेमी रहते थे. उन्हें ये सब ज्यादा पसंद नहीं आता था, संसार. दे यूज टू लव नेचर, साइलेंस. अगला पेयरिंग, पेयरिंग करते हैं ना, पेयर कनेक्ट. एक होता है क्विक डायल, कुछ ऐसा होना चाहिए कोई व्यक्ति कि जिसको हम तुरंत कॉल करें और तुरंत आंसर आ जाए. क्या ऐसा कोई है, किस पर विश्वास करें और किस पर भरोसा करें, यह भी एक प्रश्न है इस जीवन में. और ऐसा सहारा तो एक ही है, वो जो कभी धोखा नहीं देता, जो निस्वार्थ है, जो निष्काम है. क्या हमने उस के प्यार का कभी अनुभव किया है, क्या उसके प्रेम में आंसू बहे हैं? Who is he? What is he? The tears of gratitude for him, the love for him. क्या उसकी खोज की है? एक और है, जैसे वो गूगल होता है वैसा. एक होता है गूगल सर्च, गूगल इंजिन, एक है गॉड इंजिन. उसमें कुछ भी डालो उत्तर मिलेगा. नथिंग इज अनगूगलेबल. एक वो जीपीएस होता है, एक स्पिरिचुअल जीपीएस होता है. वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये है गॉड्स पोजिशनिंग सिस्टम. जब वहां भटकते हो तो वो जीपीएस हेल्प करते, पर जब जीवन ही भटक गया है तब कौन मदद करेगा? तो ये सारे बहुत से गहरे प्रश्न है, और हो सकता है आपको अगले सेशंस में
बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलेंगे, किसी स्पीकर के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन के प्रश्नों के उत्तर हमें किसी से ही नहीं मिलते, अपने ही जीवन भीतर ही है सब, वो बाहर निकलेगा। हाँ, दे आर हेल्पफुल, तो उनका भी धन्यवाद। यू शुड बी फिल्ड विद दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये सारी जो व्यवस्था की, ये जो भाई जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, एक धन्यवाद का भाव यदि भर गया ना, तो मन शांत हो जाएगा, काम एंड क्वाइट। अगला आर, रिचार्ज यूअर सेल्फ। बैटरी लो होती है तो मोबाइल को चार्ज करते हैं, यहाँ पे आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, मन की, शरीर की भी बैटरी की, बुद्धि की बैटरी को चार्ज करना है। दिस इज द स्टोर हाउस, पावर हाउस, कनेक्ट एंड यू गेट चार्ज्ड। इसलिए ये एक बार आए हो, ऐसे बार बार आते रहना। दिस इज अ पावरफुल स्टेशन। यहाँ आप देखोगे लोग इतने सब सेवाओं में आते हैं। हमारी ओपीडी में इतनी माताएं आती है जो ऊपर पांडव भवन की, उनको अगर कहते हैं अरे हीमोग्लोबिन तुम्हारा 6 है, गेट एडमिटेड, वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ सेवा में आएंगे बोझ होगा, दे डोंट वॉन्ट टू गेट एडमिटेड। उनको कहते हैं 104 बुखार है, एडमिट हो जाओ, वो कहते नहीं नहीं पैसे नहीं है। पैसे कितने हैं? बस जाने की टिकट है जनरल बोगी की, उतना ही पैसे लेके आते हैं। दे आर सो पुअर, वो गरीबों की पाई पाई से ये यज्ञ का सरोवर बना है। असंख्य माता है, उनको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। हमारा ज्यादा से ज्यादा संपर्क उन्हीं से आता है जो यहाँ सेवाधारी बनकर आते हैं। ओपड़ी में आते ही रहते हैं, आते ही रहते, कुछ ना कुछ उनको होता है, कहीं तो आते ही नहीं ओपड़ी में, बाबा 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 कर कहती रहती है बस, ना किताबें पढ़नी आती है ना किताब कोई पढ़ी। बट एक निश्चय है कि जीवन भगवान को दिया है, वो ध्यान रखेगा, वो ख्याल करेगा। कितने अनुभव है ऐसे। अगला सिंक, अपने लाइफ को सिंक करना है हायर पर्पस के साथ। सेव, सेव योर टाइम। टेक्स्ट मैसेज, कौन सा मैसेज? मैसेज ऑफ काइंडनेस, मैसेज ऑफ लव, मैसेज ऑफ कंपैशन। यू अनलॉक, हमारे अंदर अनगिनत पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल्स को अनलॉक करना है, अपलोड अपलोड करना है। जो भीतर है उसको परमात्मा स्क्रीन पर अपने आप को समर्पित कर देना है, तो वो विशेषताओं को निखारेगा। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको जब आए थे कुछ भी नहीं आता था, टाइपिंग नहीं आता था, अपने आप टाइपिंग सीख गए, किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, सब कुछ सीख गए, यहाँ आने के बाद ही सीखा, क्योंकि सेवाएं दी गई, ये तुम करो, अपने आप सीखना चालू कर दिया, क्योंकि वो प्यार था भीतर। तो ऐसे बहुत सारे डिजिटल वर्ल्ड के शब्द है, वो सारे शब्दों को हम स्पिरिचुअल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे, पेन पेपर डायरी सब कुछ नीचे, एक भीतर की यात्रा की ओर चलेंगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे भी निकाल दो। मन स्थिर, शरीर स्थिर, कोई हलचल नहीं। संसार की आवाजों से परे, गहन मौन की ओर, आंखें बंद, चेतना के महासागर में मैं चेतन बूंद हूं। संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, शांत शांत शांत।
अंतर जगत की यात्रा, भीतर की यात्रा, मौन की यात्रा, स्वयं के खोज की यात्रा। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों, मैं किस लिए हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मन की आंखों से देखेंगे आप जहां रहते हैं उस घर को, उस ऑफिस को, उस क्लिनिक को, उन लोगों को देखेंगे जिनके बीच आप रहते हैं। वो जगत कैसा है, कैसा चल रहा है, क्या सब कुछ वैसा ही है जैसे होना चाहिए। कहां पर और कौन सी चूक और कौन सी भूल हो रही, संबंधों में, व्यवहार में, बोल में, दूर किसी पहाड़ पर बैठा और वहां से अपनी सारी दिनचर्या वहां की देख रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक क्या करता हूं, इन लोगों के संपर्क में आता हूं, कनेक्टिविटी कितनी है स्वयं से, कनेक्शन कितना है स्वयं से। नियति ने अवसर दिया है इन 3 दिनों तक स्वयं की खोज करने का, स्वयं के भीतर डुबकी लगाने का, स्वयं के साथ है भीतर और भीतर। इस परिसर में और इस हॉल एक अव्यक्त वायुमंडल, एक शांति की तरंग, आई एम कैचिंग दोज वाइब्स ऑफ प्यूरिटी ऑफ लव एंड माय हार्ट इज ग्रेटिट्यूड। पीस, लव, listening to that divine ringtone, that ringtone of love, that ringtone of purity, of brother, of soul consciousness, of divine love. One collective energy, one collective force. धीरे से सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बिना कोई आवाज किए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और संपूर्ण मौन में और इसी अव्यक्त स्थिति में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लें। जस्ट होल्ड ईच अदर्स हैंड एंड क्लोज द हैंड, आईज शांत। मेरे दोनों हाथों से प्रचंड पवित्रता की ऊर्जा जब सब फैल रही, एक डिवाइन लव चारों तरफ। माय हैंड्स आर गेटिंग रिचार्ज्ड, माय सोल इज गेटिंग रिचार्ज्ड। द फीलिंग ऑफ वननेस, द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओम शांति। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे, न
निज सुख निर्मल सोई पावे, निज सुख निर्मल सोई पावे। जो मन खे मारे 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 मारे, सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। गफलत छोड़ दे संतन मेला, जग से जावत एक एक अकेला। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेरा, प्रीति प्यारे ये अमृत बेला। रोज बहत है अमृत धारा, भूलत नूरी सकल संसारा। रोज बहत है अमृत धारा, भूलत नूरी सकल संसारा। निज सुख निर्मल सोई पावे, जो मन के मारे 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 मारे। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। Thank you.